देहरादून में महिला दिवस के अवसर पर यूपीएएस यूनिवर्सिटी से गढ़ी कैंट महिंद्रा ग्राउंड से बाइक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में महिला पुरुषों ने मिलकर हिस्सा लिया। बाइक रैली में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी भी उपस्थित रही। महिला दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि महिलाएं गृहस्थी से लेकर उच्च पदों तक सभी जगह अपनी भूमिका का निर्वहन करती हैं। यह शुभ अवसर उन्हीं के सम्मान में मनाया जा रहा है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। कि आज ये बहुत बड़ा दिन है जो कि जो महिला घर गृहस्थी से लेकर के पूरे देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाली रही है, और आज के दिन जो है ये शुभ दिन उनके लिए सेलिब्रेट किया जाता है। और हमारी महिला जो कि मातृशक्ति हर रूप में जो है समाज के अंदर एक भूमिका अदा कर रही है, और आज महिला दिवस के इस अवसर पर मैं सभी हमारी मातृशक्ति को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। आज यूपीएससी का ये बहुत ही साहसिक बाइक रैली का आयोजन यहाँ पर हुआ है, और हमारी जो विद्यार्थी हैं, महिलाएं हैं, सभी ने बढ़ चढ़ के करके हिस्सा लिया है। मैं बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आज महिला हर तरह से किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, वो पुरुषों के समान कंधे से कंधा मिला करके समाज के लिए कार्य कर रही है, आगे बढ़ रही है। इम्पोर्टेंट मैसेज जो वुमेन्स डे पे ये है कि जो नारी शक्ति है कि वुमेन पावर इज लेस देन नथिंग, ये सबसे बड़ा इंस्पायरिंग मैसेज मैं देना चाहूँगा टू ऑल द वुमेन इन द वर्ल्ड। यूपीएस की तरफ से जो ये रैली हमने ऑर्गेनाइज करी है, इसका मकसद ये था कि हम सबको दिखा दें कि वुमेन पावर क्या है। और जो टिपिकली ऐसा होता है ना, कुछ रोल समाज ने मेल्स के लिए रखे हुए हैं, तो एक ये होता है कि बाइक्स जो हैं वो मेल्स ही चलाते हैं, तो एक ये था कि उस मिथ को तोड़ना था कि जो लोग ऐसे सोचते हैं वो गलत है। वुमेन कैन ड्राइव बाइक्स, दे कैन राइड माउंटेंस, दे कैन लीड परेड्स, दे कैन बी इन द बैटल फील्ड। तो इस रैली का मकसद सारी दुनिया को दिखाना था कि वुमेन कैन डू एनीथिंग।